जीतने वालों को मेरा सलाम। हमारे शरीर में 24 घंटे बहुत सारी बायोलॉजिकल साइकिल्स चल रही हैं। इनफैक्ट धरती पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सूर्य को फॉलो करते हैं। इन साइकिल को सिरकेडियन रिदम कहते हैं। सिर का मतलब चारों तरफ या पूरे समय और डीएस मतलब दिन। हमारा शरीर 24 घंटे की साइकिल से गुजरता है। पूरे दिन हमारा अटेंशन, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, भूख और हॉर्मोन्स बढ़ते घटते रहेंगे। मेलेटोनिन और कॉर्टिसोल जैसे कई हॉर्मोन्स हैं और इनकी मदद से शरीर अपने आप को 24 घंटे की साइकिल में शेड्यूल करता है। जैसे सोते समय शरीर की प्रायोरिटी टिश्यू रिपेयर और रिकवरी होती है और जागते समय शरीर की प्रायोरिटी मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट और खाना होती है। सिरकेडियन रिदम से शरीर को पता होता है कि कब क्या करना है, इसलिए हेल्थ के लिए ये इतनी क्रिटिकल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह के 4:30 बजे हमारा लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है, सुबह के 10 बजे हाईएस्ट अलर्टनेस होती है, दोपहर के 2:30 बजे बेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है, 3:30 बजे फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होता है, शाम को 5 बजे सबसे ज़्यादा ताकत यानी हाईएस्ट कार्डियोवास्कुलर और मस्कुलर रिस्पॉन्स होते हैं, शाम को 7 बजे हमारा हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है, रात को 9 बजे नींद के लिए मेलेटोनिन रिलीज होना शुरू होता है और रात को 2 बजे शरीर गहरी नींद में जाता है। बढ़िया बात है, ये सब अपने आप चल रहा है, लेकिन सिरकेडियन रिदम्स के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है? पहला कारण है कि ये सब सेल्यूलर लेवल पर हो रहा है। शरीर के हर सेल में इंटरनल क्लॉक होती है और जब हॉर्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारी बॉडी का हर सेल उसके हिसाब से काम करता है। मतलब शरीर के हर सेल को पता है कि अब क्या समय है और क्या करना है। अगर हमारी सिरकेडियन रिदम्स बिगड़ी हुई हैं तो केवल हॉर्मोन लेवल नहीं बदलेंगे, शरीर का उनके प्रति रिस्पॉन्स या सेंसिटिविटी भी गिर जाएगी और इससे शरीर के हर फंक्शन जैसे इम्यूनिटी, डाइजेशन, इंसुलिन रिस्पॉन्स, स्लीप सब पर फर्क पड़ेगा। जिन लोगों की सिरकेडियन रिदम्स बिगड़ी हुई हैं उन्हें क्रॉनिक डिजीजेस मतलब बार बार और लंबे समय चलने वाली बीमारियां जैसे डिप्रेशन, डायबिटीज, स्लीप डिसऑर्डर हो जाती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम सिरकेडियन रिदम्स अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं तो खुद को एनर्जेटिक और फोकस्ड बनाए रखना कोई बड़ी बात नहीं है। सिरकेडियन रिदम में कई सारी साइकिल्स हैं। ये साइकिल्स इंटरनली जनरेटेड हैं, मतलब अगर बाहर से इन्फ्लुएंस ना डाला जाए तो ऑन एन एवरेज 24 घंटे 11 मिनट की साइकिल होती हैं। सारी साइकिल्स में स्लीप वेक साइकिल सबसे ऑब्वियस है। हमारी पूरे दिन अलर्टनेस कम ज़्यादा होती रहती है और नींद की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। अगर सिरकेडियन रिदम ना हो तो हमें हर 2-3 घंटे में नींद आती रहेगी। अगर सिरकेडियन रिदम्स पूरी तरह इंटरनली जनरेटेड होती तो सब ठीक था, लेकिन एनवायरनमेंट का इस पर सीधा असर पड़ता है। हाइपोथैलेमस जो हमारी आँखों के पीछे होता है उसमें नर्व का एक गुच्छा होता है जिसे SCN कहते हैं, जो लाइट के प्रति हाइपर सेंसिटिव होता है और रोशनी बदलने पर या दिन रात होने पर पिनियल ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है जहाँ पर मेलेटोनिन और दूसरे ज़रूरी हार्मोन्स पैदा होते हैं। इन हार्मोन्स के रिलीज होने से कई सारी साइकिल्स अपने आप चालू या बंद होती हैं। इसके 2 मतलब हैं। पिनियल ग्लैंड हमारे शरीर का मास्टर रेगुलेटर है। दूसरा, इसे लाइट की मदद से आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और यही सिरकेडियन साइकिल का ड्रॉबैक भी है। एवरेज रूम की लाइट से मेलेटोनिन जो नींद लाने वाला हार्मोन है रुक जाता है और हमारी नींद के साथ साथ सिरकेडियन साइकिल बिगड़ जाती है। देर रात में लगातार आर्टिफिशियल लाइट में बैठने से और सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स देखने से न केवल हमारी नींद डिले होती है बल्कि नींद की क्वालिटी हल्की हो जाती है। ये परेशानी मैं पर्सनली पिछले 8 साल से भुगत रहा हूँ और ऐसा एक बार नहीं होता। SCN हमारे सोने का समय रिकॉर्ड करता है और अगर हम पिछले दिनों लेट सो रहे हैं तो मेलेटोनिन रिलीज को डिले कर देता है। और दूसरी तरफ हमारी नेचुरल सिरकेडियन रिदम 24 घंटे 11 मिनट लंबी होती है, मतलब हमारा शरीर नेचुरली हर दिन 10 से 15 मिनट और लेट सोना उठना चाहता है, इसलिए समय पर सोने और उठने में डिसिप्लिन लगता है। हमारी सिरकेडियन रिदम रीसेट करने के 2 सबसे पावरफुल तरीके हैं। पहला लाइट, दूसरा मेटाबॉलिज्म। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सिरकेडियन रिदम रीसेट करने में सनलाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर बादल है तो 30 मिनट का एक्सपोजर, और नहीं तो 15 मिनट काफ़ी हैं। अगर सुबह आपके कमरे या बालकनी में अच्छी धूप आती है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे मेलेटोनिन प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाता है और रात में सही समय पर नींद आती है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी सैट ठंडे देशों में होता है। सर्दियों में सूर्य की रोशनी न मिलने के कारण सर्कैडियन रिदम्स बिगड़ जाती हैं। इसके लिए लाइट थेरेपी बॉक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो सूर्य की कमी को पूरा करते हैं। अगर आप भी ऐसी जगह रहते हो जहां सूर्य की रोशनी ठीक से नहीं मिल पाती तो 5000 ल्यूमेन के दो बल्ब ले आइए और अपने कमरे में लगा लीजिए। ट्रिक ये है कि आपको दिन के एक फिक्स टाइम पर ही लाइट्स का एक्सपोजर लेना होगा, चाहे वो नॉर्मल हो या आर्टिफिशियल, जिससे साइकिल उस समय के हिसाब से सेट हो जाए। रीसेट करने का दूसरा तरीका है मेटाबॉलिज्म। जब हम खाना खाते हैं तब शरीर रिकॉर्ड करता है इस समय खाना मिलता है, जागना जरूरी है, और इसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का फायदा उठाकर हम सर्कैडियन रिदम्स रीसेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप समय पर सोने की आदत डालना चाहते हो तो समय पर डिनर कीजिए और लेट नाइट स्नैकिंग से बचिए। एक दो दिन जरूर परेशानी होगी लेकिन शरीर खुद ही टाइम पर सोने जागने लगेगा। जितना जरूरी रीसेट करना है दोस्तों, उतना जरूरी अच्छी सर्कैडियन रिदम को बरकरार रखना है। अवॉइड ब्राइट लाइट्स इन द इवनिंग। जैसे दिन में शरीर को सनलाइट चाहिए वैसे ही रात में शरीर को अंधेरा चाहिए। आज के समय ऐसा मुमकिन नहीं है कि सूर्य ढले और अंधेरा हो जाए, लेकिन रात में ब्लू लाइट यानी वाइट ट्यूब लाइट या LED की रोशनी अवॉइड कीजिए, और येल्लो लाइट्स और लाइट शेड में काम कीजिए, और हो सके तो सोने के एक घंटे पहले से ज़्यादा लाइट में मत रहिए। अगर आप PC या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो फ्लक्स इंस्टॉल कीजिए, यह आपकी लोकेशन पर सनलाइट का हिसाब रखेगा और मॉनिटर की ब्लू लाइट फिल्टर करता रहेगा। उसी तरह मोबाइल पर ऐप्स और सेटिंग्स भी उपलब्ध हैं। सोने के एटलीस्ट एक घंटे पहले अपना मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, कोई भी किताब उठा लीजिए। आप न केवल जल्दी सोएंगे बल्कि गहरी नींद सोएंगे। एक और बायो हैक है जो सबसे सस्ता और स्टाइलिश है। दिन के आखिर 2-3 घंटे टिंटेड या कलर्ड ग्लास पहनिए। येल्लो सनग्लासेस ब्लू लाइट फिल्टर करते हैं और इससे मेलेटोनिन प्रोडक्शन में मदद होती है। रिड्यूस एंड मैनेज स्ट्रेस। कॉर्टिसोल मुख्य स्ट्रेस हार्मोन है और सर्कैडियन रिदम में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। मतलब जब हम परेशान होते हैं तो ये रिलीज होता है और न शरीर को रिलैक्स होने देता है न सोने देता है। सोने से पहले गर्म पानी से नहाना, मेडिटेशन करना बहुत काम आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमेशा सोने एक ही समय पर जाइए, चाहे अगले दिन छुट्टी ही क्यों ना हो, क्योंकि स्लीप साइकिल में एक घंटे की देरी को एडजस्ट करने में शरीर को पूरे एक दिन की मेहनत लगती है। इसलिए ऐसा टाइम सेट कीजिए जो एंटी सोशल ना हो, जैसे रात के 10:30 बजे, और हो सके तो कभी इस समय को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। और मान लीजिए कि एक दिन हो भी जाए तो तत्काल अगले दिन वापस समय पर आ जाइए, जिससे शरीर को एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो सर्कैडियन रिदम ठीक कीजिए, और 3 ways to be energetic का प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखिए, और हाँ, चैनल जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।